topic is difference between flowering and non-flowering plants. आज जिसको पढ़ने का टॉपिक आया है वो आ रही फ्लॉवरिंग, मतलब के जिसकी गुलर वाला ऊंचा जिसकी गुलर नहीं जिसकी बिना गुलर वाला ऊंचा होता है तो उनके बीच में डिफरेंस बीच में देखो फर्क लगे उनका वो छाप। फर्स्ट अपना प्लांट पढ़ना है फ्लॉवरिंग प्लांट। चलिए तो फ्लॉवरिंग प्लांट सामने हैं दोस प्लांट्स व्हिच हैव फ्लावर्स ऑन देयर स्टेम। केड़ा प्लांट्स जिनकी स्टिंग देखो फूल वगैरह होगा उनकी लिखे होना बट भूल हो तो डिसाइड तो नहीं पाना जो प्लांट है ठीक है यो इमेज है स्टिंग है स्टिंग अगर ये भूल हो गई तो होता तो एड़े प्लांट्स के अंदर लगा दी फ्लावरिंग प्लांट ठीक है। फिर क्या लगता है दे प्रोड्यूस सीड व्हिच आर एनक्लोज्ड इन फ्लावर और फ्रूट। इन्हें देखो प्रोड्यूस का दो सीड वो बंद देखो वो एनक्लोज ही माना ही होगा बंद होगा फ्लावर के अंदर या फ्रूट के अंदर। मिसाल के तौर फ्लावर के अंदर किए यदि ये को देखते हो प्लांट उसी मौजूद हो ये प्लांट फ्लावर है कि मौजूद हो ठीक है। एडिटर के अंदर डेवलपिंग करते चलते गए तो स्टेम के टाइप फ्लावर वगैरह इसे बनता इन्हें से आपसे ये जो हम लोग फ्लावर बनता है फ्लावरिंग प्लांट के क्या क्या एग्जांपल है और एग्जांपल से रोजेस ऑरेंज सनफ्लावर ठीक है। उनके अलावा जो है कौन नॉन फ्लावर प्लांट नॉन फ्लावर प्लांट्स बोथ प्लांट्स व्हिच इंटैक्ट पिक्चर बैठी बनके इंडिया की केड़ा प्लांट्स ये वाले फूल वगैरह मौजूद तो ये पुनर के अंदर है मानी फ्लावरिंग प्लांट्स स्टीम के लिए ठीक है। तो ये लोग बारे में देखो मतलब के फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट में डिफरेंस हो देखो शॉर्ट क्वेश्चन से लेकर तकरीबन देखो 10-8 के एनुअल एग्जाम वगैरह तो है इसको डबल के अंदर अच्छी तरह का ये देखो तो शॉर्ट क्वेश्चन में होती है एक फाइल सीड्स आर नॉट इंक्लूड इन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो ये तो जिनके नॉन फ्लावरिंग होता है उन्हें जो देखो सीड वगैरह होता है वो फ्लावर यहाँ के फ्रूट के अंदर मौजूद कौन हुआ है इंक्लूड कौन हुआ आना नहीं तो एग्जाम पूरा हो कौन ही बचा ये अक्सर तेरे देखो तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इधर जो है नहीं ये जो है वो पार्ट ऑफ टॉपिक क्लियर भी हो अगर ये दो भी क्वेश्चन वगैरह हो जाए कमेंट में डालनी पूछा।